जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल ज्ञान साइडो में। दोस्तों आज मैं ईसीसी यानी ईथर कनेक्ट के बारे में एक अपडेट लेकर आया हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक जरूर कर देना। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एक और बीएनबी अर्निंग यानी बीएनबी माइनिंग का एक साइट आया हुआ है उसके बारे में अपडेट कर दूँ, उसके बाद मैं ईसीसी के बारे में बताऊँगा। तो मैंने आज ही अपने टेलीग्राम चैनल पर इससे रिलेटेड एक पोस्ट डाला है बीएनबी माइनर का, तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके आ जाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल के इसी पोस्ट पे। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो वॉलेट है बीएनबी का वॉलेट यानी बीएससी वॉलेट उसी को डालकर यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। एक बता दूंगा दोस्तों कि आपको यहाँ पे बीएससी का वॉलेट एड्रेस डालना है। देखिए यहाँ पे लिखा है यू कैन यूज अ स्मार्ट चेन बीएनबी, तो आपको बीएससी का ही एड्रेस डालना है। तो मेरा ये बीएससी का एड्रेस है, उसके बाद रजिस्टर लॉग इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर लॉग इन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लेम नाउ का ऑप्शन आएगा, तो आपको हर 10 सेकेंड में यहाँ पे क्लेम करना है। मैंने जब इस पोस्ट को डाला था तो एक बंदा है उसने कमेंट किया है कि सर विड्रॉ के टाइम ये बोल रहा है कि आपको सबसे पहले अपग्रेड करना पड़ेगा अपने अकाउंट, तभी आप विड्रॉ कर पाओगे। तो दोस्तों मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर ये अपग्रेड करने के लिए बोलेगा तो आपको इस साइट को लीव कर जाना है, आपको यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करना है। क्योंकि मैंने अभी तक विड्रॉ के लिए यहाँ पे ट्राई नहीं किया है, क्योंकि विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड है 0.2 BNB, तो अभी मेरे पास है 0.299 BNB अवेलेबल हो चुका है। और जैसे मेरे पास 0.2 BNB होता है तो मैं विड्रॉ करके देखूँगा, अगर ये विड्रॉ हो जाएगा तब तो अच्छा है, और अगर ये विड्रॉ नहीं होगा अपग्रेड करने के लिए मांगेगा तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे टाइम वेस्ट ही है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट आई हुई है दोस्तों जहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे बीएनबी को अर्न किया है। आप सबको पता होगा कि मैं बहुत सारे वीडियो को डाला हूँ और बहुत सारे ऐसी साइट आई है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, तो उन सब साइटों से आप लोगों ने बीएनबी को अर्न किया है। तो मुझे लगा कि ये भी जब साइट आया है तो ये भी वैसे ही काम करेगा, लेकिन एक बंदा है, एक दोस्त है मेरा, मान के चलिए दोस्त ही है, मेरा सब्सक्राइबर ही है, उसने बोला था कि भाई इस पे विड्रॉ करते वक्त बोल रहा है कि आपको सबसे पहले अपने अकाउंट को अपग्रेड करना होगा। तो अगर ये ऐसा होता है तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप इस साइट को लीव कर जाओ, या अभी से मैं आपको कहूँगा कि अभी से आप इस साइट पर टाइम स्पेंड ना करो, क्योंकि यहाँ पर आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। तो मुझे अभी नहीं मालूम है कि यहाँ पर अपग्रेड मांग रहा है कि नहीं, लेकिन मैं विड्रॉ करके देखूंगा। अगर ये अपग्रेड मांग रहा होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। तो चलिए बात करते हैं ईसीसी के बारे में कि ईसीसी का कौन सा अपडेट आया हुआ है। दोस्तों ईसीसी का जो अपडेट है वो ये है कि ईसीसी जो क्वाइन है वो यूनिस्वैप पे लिस्ट होने वाला है। आप यहाँ पे टाइमर देख सकते हो, 11 दिन 14 और 28 मिनट, यहाँ पे मतलब 11 दिन के बाद ईसीसी को यूनिस्वैप पे लिस्ट कर दिया जाएगा, और इसकी जो प्राइस रहेगी वो $1 रहेगी। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी ईसीसी की प्राइस इसकी इथर कनेक्ट पे $0.38 है। तो मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बनाया है, आप सब अगर वीडियो देखे होगे तो मैंने यहाँ बताया कि आपको कैसे ईसीसी को बाय करना है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप पिछले वाली वीडियो देख लेना कि ईसीसी को बाय कैसे करना है। तो ईसीसी की बाय करने के लिए दोस्तों मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करके ये जो डिपॉजिट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मिनिमम $50 डिपॉजिट करना होगा, तभी आप ईसीसी को यहाँ पे बाय कर पाओगे। $50 इन्वेस्ट करने के बाद दोस्तों आपका जो स्टेक अर्निंग है वो लाइव हो जाएगा, और आप यहाँ पे मंथली 10% स्टेक कर पाओगे, यानी आपको यहाँ पर स्टेक अर्निंग भी होगा, और इस स्टेक अर्निंग को आप ईथर में विड्रो ले सकते हो। अभी दोस्तों विड्रो करने पे ईसीसी को जब आप विड्रो करते हो यहाँ से तो ये ईथर में विड्रो होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही ईसीसी को यूनिस्वैप पे लाइव कर दिया जाएगा, लिस्ट कर दिया जाएगा, तो इसका जो विड्रो होगा दोस्तों हमें ईसीसी टोकन में ही मिलेगा, ईथर क्वाइन में हमें ईसीसी नहीं मिलेगा। देखते हैं दोस्तों कि ईसीसी को जब विड्रो हम लोग करते हैं, जब ये लिस्ट हो जाता है यूनिस्वैप पे, तब तो हमें ये ईसीसी क्वाइन में विड्रो होता है या इथर क्वाइन में। तब तक आपको मैं ये कहूँगा कि अगर आपने यहाँ पे डिपॉजिट नहीं किया तो आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, डिपॉजिट करके ईसीसी को आप अर्न कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि अभी इसका जो पेंडा एनु टोकन है, एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है इथर कनेक्ट का, उसका यहाँ पे प्राइवेट सेल 3 दिन में लाइव होने वाला है। तो अगर आप प्राइवेट सेल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप 3 दिन बाद
पेंडा एनू के प्राइवेट सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और यहाँ पे पेंडा एनू का एयर ड्रॉप है दोस्तों, जिसका स्नैपशॉट होने वाला है 31 सितंबर को, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरी पिछली वीडियो को देख लेना कि पेंडा एनू का जो एयर ड्रॉप है उसमें क्या क्या सिटेरिया है, क्या क्या क्वेरी मैंने कैसे यहाँ पे काम करना है जिससे हमको एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जिससे हमारा जो अकाउंट है वो स्नैपशॉट में जाएगा जो कि 31 सितंबर को होने वाला है स्नैपशॉट। तो क्या क्या करना है उस सब के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई हो, तब से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।